हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान फैशन बुटीक। जी दोस्तों, आज आपको ब्लाउज की कटिंग करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आपको नाप समझा देते हैं, फिर उसके बाद ब्लाउज की कटिंग करके दिखाएंगे। ये हमने नाप नोट कर रखा है, ये हमारा फिक्स नाप है दोस्तों। लेंथ हमारी 14 इंच है, प्लेट लेंथ 9.5 इंच है, चेस्ट हमारी 36 इंच है, कमर 27 इंच है, शोल्डर 14.5 इंच, फ्रंट नेक 6.5, आगे का गला 6.5, बैक नेक 9 इंच, पीछे का गला 9 इंच है। बाजू की लंबाई दोस्तों 10.5 इंच है, बाजू की गुलाई 8.5 है और बाजू की बाइसेप्स 13 इंच है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फुल नाप है, जो नाप लेने के बाद लूजिंग देने के बाद परफेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, वो हमारा नाप है। ऐसे दोस्तों आगे वीडियो आती रहेंगी, जिसमें दोस्तों हम नाप लेके भी दिखाएंगे और किस में कितना शोल्डर रखा जाएगा। ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आपको ब्लाउज की कटिंग करके दिखाते हैं। ये कपड़ा है दोस्तों, ये हमने इस पर प्रेस लगा के रखा है अच्छे से। इसे पहले साइड में कर लेते हैं। ये अस्तर है दोस्तों, इस पे भी हमने प्रेस लगा लिए। ठीक है दोस्तों, एक बार ये चुन्नट जैसी आ रही है, इसको अच्छे से प्रेस से साफ कर ले आएंगे हम। इस तरीके से अच्छे से। ठीक है दोस्तों, जैसी जैसी हमारी वीडियो आगे आती रहेंगी, वैसे वैसे आपको सब कुछ डिटेल में पता चलता रहेगा कि हम आर्मो लेंथ कौन से साइज में कितना रखते हैं और फ्रंट कौन से साइज में कितना रखते हैं। सब कुछ आपको डिटेल में मिलता रहेगा दोस्तों, सब कुछ डिटेल में एकदम बताएंगे आपको आगे आने वाली वीडियो में, किस में कितना शोल्डर रखें, किस में आर्मोल कितना रखें और कौन से साइज में कितना फ्रंट रखना है। सब कुछ पूरी डिटेल में वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अलाउ कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, हमने अस्तर को ओपन अपनी तरफ रखा है, इस तरफ ओपन रखा है दोस्तों। अब इस किनारे के बराबर से इस तरीके से, ये हमारी किनारी आड़ी टेढ़ी है तो हम एक शेप में निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के निशान लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से। इसमें दोस्तों हमारी हुक और आई की पट्टी लगेगी, ये हुक को आई की पट्टी का मार्जिन है। ठीक है दोस्तों, और ये स्केल है, जितना बड़ा स्केल है उतना ही नीचे मार्जिन इस तरीके से देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे हल्का सा हम ज़्यादा कर लेंगे, एक पैर ऊपर मार्जिन रख के इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नाप ले लेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों लंबाई है इसकी 14 इंच, तो हम 14.5 पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। साढ़े चौदह पे दोस्तों हमने निशान लगा लिया है, क्योंकि दोस्तों 1/2 इंच हमारा कंधी में दबाव में जाएगा तो हमारी 14 इंच लंबाई तैयार आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों आर्मो लेंथ हम रखेंगे 6 इंच, 6 इंच आर्मो लेंथ रखेंगे और प्लेट लेंथ दोस्तों हमारी 9.5 इंच है, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। 1/2 इंच दबाव में जाएगा तो हमारी 10 इंच पे प्लेट तैयार होके आएगी, और इसी तरह इंच टेप आगे रखेंगे 14.5 इंच पे। यहाँ पर 14.5 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर 10.5 इंच पे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। निशानों को हमने सीधा कर लिया है दोस्तों। अब इसकी चेस्ट है,
ये दोस्तों आर्मोर लेंथ है, आर्मोर लेंथ का निशान है दोस्तों, यानी इस पे हम चेस्ट रखेंगे, चेस्ट का नाप रखेंगे दोस्तों इस पे। चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, चौथा हिस्सा 9 चौक 36, ठीक है दोस्तों। अब इसकी प्लेट लेंथ का निशान लगाएंगे दोस्तों, ये हमारा प्लेट लेंथ है जिसमें हम डॉट डालेंगे, जो ब्लाउज में 4 डॉट पड़ेंगी वो इस निशान पे, इस प्लेट लेंथ की निशान पे ही निशान लगाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे इस तरीके से, और नीचे भी 3.5 इंच रखेंगे इस तरीके से, और दोस्तों पहले निशान 2.25 इंच पे लगाएंगे और दूसरे निशान 2 इंच पे, ठीक है दोस्तों। कमर का निशान लगाएंगे, ये दोस्तों हमारा कमर का निशान है, कमर है हमारी दोस्तों 27 इंच, 27.5 इंच, तो 0.5 इंच बढ़ा के 27 इंच, 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 7 चौक 28, ठीक है दोस्तों। और 1 इंच का आगे बढ़ा के निशान लगाएंगे, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर जो प्लेट पड़ेगी उसमें मार्जिन जाएगा। अब इन निशानों को हम अच्छी तरीके से सीधा करेंगे इस तरीके से, और ब्लाउज में दबाव को निशान लगा देंगे इस तरीके से दोस्तों। अब इन सब निशानों को सीधा करेंगे, इसे तिरछे में डालेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों जो हमारा चेस्ट का निशान है, इस पे हम फ्रंट का निशान लगाएंगे, इसमें दोस्तों फ्रंट रखेंगे हम 5.5 इंच, और 1.25 इंच आगे बढ़ा के निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से दोस्तों गले की बॉर्डनेस रखेंगे 2.5 इंच पे, और इसमें दोस्तों शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, और बैक का गला है 9 इंच, इसका दोस्तों शोल्डर है हमारा 14.5 इंच और बैक का गला है 9 इंच, तो हम इसमें 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11 इंच, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर 5.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हल्की सी हम कंधी डाउन करेंगे, ठीक है दोस्तों, 0.25 इंच के लमसम में हम कंधी डाउन कर देंगे इस तरीके से, और इन्हें निशानों को सीधा करेंगे। यहाँ से भी जो हमने फ्रंट का निशान लगाया था उसी निशान पे इस तरीके से इन्हें सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और आईडी से यहाँ पर ही निशान लगा देंगे कट का, इन तीनों के एक दो तीन, इन तीनों के निशान के बराबर होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों ये 2.25 इंच पे है, ये 2 इंच पे, तो ये भी हमारी 2 इंच पे प्लेट आनी चाहिए ये वाली, ठीक है दोस्तों। और गला है हमारा दोस्तों आगे का 6.5 इंच, तो हम इस तरीके से 7 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर ब्रॉडनेस हमने रखी थी 2.5 इंच, तो नीचे भी 2.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से इन निशानों को भी सीधा कर देंगे, इसको भी इस तरीके से लगा लेंगे, आगे का गोल गला है दोस्तों, तब यहाँ पर हम गोल गले की शेप दे देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम आर्मोर लेंथ की शेप देंगे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आर्मोर लेंथ की शेप देंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट की शेप हो गई, और ये दोस्तों हमारी बैक पल्ले की शेप हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इन निशानों पे हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, कैंची की मदद से अच्छे से कटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हम इस तरीके से ये जो मार्जिन है इसे कटिंग करेंगे। अभी इन्हीं निशानों के ऊपर हम ब्लाउज को कटिंग कर देंगे,
यहाँ से डाउन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये बैक पल्ले का निशान है, तो हम बैक पल्ले को ही कटिंग करेंगे इस तरीके से अच्छे से। ये देखिए दोस्तों हमारा कटिंग हो गया है, इसे साइड में रखेंगे इस तरीके से। अब इसको अस्तर को इस तरीके से घुमाएंगे। इस पल्ले को दोस्तों अब हमारा इधर बंद साइड आ गया है, तो इस पे दोस्तों हमारा बैक पल्ला कटेगा। यहाँ से इस तरीके से दोस्तों ब्लाउज में कपड़ा कम होता है हमारा, तो अच्छे से जितना ज़्यादा बच जाए उतना अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से हम दोस्तों 2.5 इंच पे नापेंगे। ये हमारा थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, थोड़ा दूर हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 2.5 इंच का हमारा बराबर आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे और कैंची की मदद से दोस्तों इस तरीके से बीच वाले निशान को ऐसे उठा लेंगे। ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, आराम से इन निशानों को ऐसे यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से ऐसे लगाएंगे और इस निशान को ऐसे लगा देंगे। अभी बैग पल्ले के बराबर बराबर हम दोस्तों इसे कटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ से हम इस तरीके से सीधा कटिंग करेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से डाउन में कटिंग कर लेंगे। तो इसी के बराबर बराबर दोस्तों कटिंग करनी है बैग पल्ले के बराबर पे। अब दोस्तों थोड़ा सा ये 1.25 इंच के लमसम में ऐसे बढ़ा के कटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम फ्रंट पल्ले वाले को कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब इस पल्ले का कटिंग हो गया दोस्तों, इसे हम साइड में रखेंगे इस तरीके से। दोस्तों ये निशान जो लगाया था, इन निशान पे हम इस तरीके से सीधे करेंगे। नीचे मार्जिन का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब इसको ये हमारा कैंची से हमने जो निशान लगाया था ये हमारा उठ के आ गया है यहाँ पर। अब इस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे, और ये हमारा दोस्तों पीछे बैक प्लेट का निशान लग गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था इसे थोड़ा सा और लगा लेते हैं इस तरीके से। और हमारा बैक का गला दोस्तों 9 इंच है, तो हम इस तरीके से 9.5 पे निशान लगाएंगे, और नीचे से दोस्तों 2.75 इंच पे ब्रॉड निशान लगाएंगे, और इन निशान को इस तरीके से सीधा कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम गुलाई का निशान लगाएंगे, पीछे बैक गला हमारा गोल है इस तरीके से, और इसको कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से भी इसे कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया है, अब इसकी बाजू कटिंग करेंगे। इस तरीके से अस्तर को फोल्ड करेंगे अच्छे से, और यहाँ पर हल्का सा नाखून लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों जो बाजू 22 एप्स का जो हमने नाप बताया था, ये हमारा 13 इंच पे बाजू 22 एप्स, तो दोस्तों बाजू 22 एप्स का 3 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और लंबाई हमारी 10.5 इंच, तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच दबाव में जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब इस तरीके से इन निशानों को सीधा करेंगे, इस निशान को भी सीधा करेंगे, और ये 1.25 इंच का स्केल है दोस्तों, ये 1.25 इंच का स्केल है दोस्तों, इसी स्केल के बराबर से यहाँ पर मार्जिन का निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मोहरी है हमारी 8.5 इंच, तो 4.25 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 13 का आधा होगा दोस्तों 6.5 इंच, इस तरीके से 6.5 इंच का निशान लगा देंगे। और दोस्तों इस सेफ फंटी की मदद से हम इसमें सेफ दे देंगे बाजू में इस तरीके से, और इधर से मार्जिन का लगा, और यहाँ से दोस्तों चौक की मदद से अच्छे से सेप देंगे इसकी आर्म होल की, और इसे कटिंग कर देंगे। पहले आर्म होल कटिंग करेंगे इस तरीके से, आर्म होल हमने कटिंग कर दिया है, अब इस तरीके से इधर से कटिंग कर, और इधर से कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारी बाजू कटिंग हो गई है, और यहाँ पर ये कुटका लगा लेंगे, यहाँ पर ये मार्जिन का कुटका हो गया, ये हमारा फिटिंग का कुटका हो गया, यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी फिटिंग की, और ये हमारे दोस्तों सेंटर का कुटका हो गया। अब बाजू को इस तरीके से खोलेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पर चौक की मदद से हल्का हल्का गहराई काट देंगे दोस्तों इस तरीके से, पहले दोस्तों चौक से हमने निशान लगाया, फिर उसके बाद इसे कटिंग कर दिया, ये देखिए दोस्तों हल्का हल्का कटिंग कर दिया गुलाई में, ये हमारा अस्तर कटिंग हो गया दोस्तों। अब आपको कपड़े की कटिंग करेंगे अस्तर रख के, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा कपड़ा है, इसको अच्छे से ओपन करेंगे इस तरीके से, और ये हमारा अपने अस्तर कटिंग करके रखी। अब इसका मेन कपड़ा कटिंग करेंगे, पहले हम बैक पल्ला लेंगे इस तरीके से, ये हमने दोस्तों बैक पल्ला लिया है। अब इस तरीके से इसे इस कपड़े की हमारी दोस्तों इधर बंद साइड है, इधर ओपन साइड है दोस्तों, ठीक है। अब इस तरीके से इसे मिलाएंगे अच्छे से, ये किनारी है दोस्तों, हम किनारी से थोड़ा सा हटा के मिलाएंगे इस तरीके से, और ये फ्रंट पल्ला है दोस्तों हमारा, तो फ्रंट पल्ले को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से मिला सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैपिंग देनी है दोस्तों, जिससे हम अच्छे से कटिंग कर सकें, और हमारे ये कपड़ा बचा है इसमें हम बाजू कटिंग करेंगे। पहले थोड़े से कपड़े को मार्जिन देते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के गले की तरफ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे अच्छे से, और यहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे इस तरीके से, यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने अस्तर रखा था, ये गैपिंग रखे, और यहाँ पर भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, ये हमारा बैक पल्ला कटिंग हो गया, और ये कपड़ा बचा है दोस्तों, इसमें हम बाजू कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सिंगल कपड़ा है हमारा, इस तरीके से इसे डबल में फोल्ड करेंगे, और अस्तर को इस तरीके से रखेंगे इसमें मिला के अच्छे से, और इसे कटिंग कर देंगे थोड़ा थोड़ा दोस्तों, अस्तर एक्स्ट्रा रखना है हमें, जिससे कि अस्तर अच्छे से बैठ जाए बाद में, ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा रख रहे हैं वो स्टिचिंग के टाइम हम कटिंग करेंगे इसे। ठीक है दोस्तों,
ये बात हमारी कटिंग हो गई दोस्तों ब्लाउज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही दोस्तों हम वीडियो लाते रहेंगे। आज दोस्तों हमने कपड़ा कटिंग करके दिखाया है आपको, आगे हम चार्ट पेपर पे दिखाएंगे कटिंग करके दोस्तों किस में कितना आर्म होल रखें, किस में कितना फ्रंट रखा जाएगा, और आगे आने वाली वीडियो में आपको दोस्तों नाप लेके भी दिखाया जाएगा ब्लाउज का, कैसे नाप लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आगे जैसी जैसी वीडियो आगे बढ़ती रहेंगी आती रहेंगी, वैसे ही आपको डिटेल में वीडियो मिलती रहेगी।